हस्ती मजाक में देंगे। तो जनाब, बेसुरों के बेताज बादशाह चाहत फतेह अली खान का गाना बदोबदी 28 मिलियन क्रॉस करने के बाद यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। वजदान राव इस पर कितना दुखी हैं। वजदान राव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी रो भी रही हैं। वजदान, क्या तासुरात क्या हैं आपके चाहत का गाना, जिसमें ऑब्वियसली आपने भी एक्ट किया, डिलीट हो चुका है यूट्यूब से? बहुत ज़्यादा मुझे सदमा पहुँचा है, बुरा लग रहा है। मतलब कि इतना ज़्यादा वायरल गया, पूरी दुनिया में वायरस फैल गया, बदोबदी बदोबदी, तो अचानक से डिलीट कर देना। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हसद है, कुछ लोगों को हसद हुआ जिसकी वजह से उन्होंने डिलीट करवा दिया। अदरवाइज़ तो बड़ा एक मज़े का सॉन्ग था, कोई इस तरह के लिरिक्स नहीं थे। अगर कहा जाए कि नूर जहाँ के जो सॉन्ग था, जो 1970 में आया था, अख लड़ी बदोबदी, उसका लेके किया गया है, तो हमारे तो बहुत से मेरे ख्याल से गाने हैं वो बॉलीवुड में भी कॉपी किए जाते हैं, तो वो डिलीट क्यों नहीं किए जाते, उनको भी डिलीट करना। अच्छा देखो, बहुत से लोग वजदान ये कह रहे हैं, वजदान मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, वजदान के बारे में लोग कह रहे हैं कि वजदान की बददुआ लगी तो चाहत का गाना जो था वो डिलीट हो गया। वजदान कोई बददुआ तो नहीं दी थी? दी थी। क्या बददुआ दी थी? अल्लाह तेने पूछे ये बात है बस। तो अल्लाह ताला ने पूछ लिया। अच्छा वजदान, आपने कोई पैकेज भी बनाए हैं अपनी बद्दुआ के, वो कौन कौन से हैं? एक छोटी बद्दुआ है, ठीक है, उसके कम पैसे हैं, फिर एक नॉर्मल बद्दुआ है, एक बड़ी बद्दुआ है, एक इंस्टेंट बद्दुआ है, ठीक है, जो फौरन जाके ठा करके लगती है, और एक सख्त तरीन बद्दुआ है। अच्छा वजदान कहती है कि जो सख्त बद्दुआ है ना, उसे बंदा ही दुनिया से ही निकल जाता, तो ये सख्त बद्दुआ तो नहीं अभी तक वो चाहत को दी? नहीं नहीं, चाहत बड़े प्यारे इंसान है, वो नहीं होगी तो हमारे चेहरे पे स्माइल कैसे आएगी। अच्छा अच्छा वजान, एक और ये चीज़ कि बदोबदी 2 भी आ रहा है, तो क्या इरादा है उसमें आपका भी, लाइक एक्ट करने का, मॉडलिंग करने का? माफ कर दे भाजी, मैंने माफ कर दे। क्यों क्यों, आप इतनी हिट हो गई, वायरल हो गई, तो क्यों आप नहीं चाहती उसमें? बदोबदी से कमाया और आपको सिर्फ 4,000 दिए, अगर अब आपको चाहत के साथ काम करने का मौका मिले तो कितना चार्ज करेंगी? 50 लाख। 50 लाख रुपया चार्ज करेंगी? और कोई और अगर आपको प्लेटफॉर्म अपना दे और कोई और आपको अपनी मॉडल कास्ट करे? हाँ, तो फिर उनके साथ मैं जो नॉर्मल होता है उनसे भी काम करूँगी। हाँ, चाहत के साथ। अच्छा एक और ये चीज़ के आपका मैं कहीं देख रही थी कि आपने कहा कि अबरारुल हक ने यूट्यूब से कॉपीराइट की वजह से गाना डिलीट करवाया, तो अबरारुल हक थे या कोई और था, किसने डिलीट, वैसे किसको हसद इतना हो सकता है? मैं अबरारुल हक से अपील करना चाहूँगी, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज़ आप किसी की बातों पे कान मत धरें। एक्चुअली बात ये थी, आपको पता है कि मीडिया जो है वो इतनी सी बात को इतना बड़ा करके पेश करता है। सिर्फ ये था कि मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि किसने डिलीट करवाया गाना, तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं इंटरव्यू के लिए आ रही थी, मुझे किसी ने लिंक भेजा, किसी पेज पे मेंशन था कि चाहत का गाना जो इबरार हक ने डिलीट करवाया, तो मैंने कहा कि कहा ये भी जा रहा है कि नूर जहाँ की फैमिली ने करवाया, और अब ये कहा जा रहा है कि इबरार हक ने करवाया। मैंने सिर्फ जो लोग कह रहे हैं उसके बारे में बात की थी, मैंने आप पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो प्लीज़ आप किसी की बातों पे कान मत धरिएगा। और मतलब मेरी साइड से अगर आपका दिल खराब हुआ या आपको बुरा लगे, तो उसके लिए मैं माजरत करना चाहूँगी। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि इसमें आपका कोई किरदार नहीं है, यू डोंट नो कि किसने करवाया है, अबरारुल हक ने करवाया है या फिर नूर जहाँ की फैमिली ने करवाया? लेकिन अबरारुल हक ने जो गाना गाया ना बदोबदी, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। खिलड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने वेखी, मजा लइए अजदा आए ओए होए आए। बहुत अच्छा उन्होंने गाया, वैसे हम भी कोई इतना बुरा नहीं गा रहे। अच्छा एक और ये चीज, बहुत अच्छा गाते हैं वो, तो चले एक एंटरटेनर है। अच्छा एक और चीज मुझे आप ये बताएं कि चाहत फतेह अली खान कहते हैं कि जनाब मैं इस उम्र में भी लड़कियां जो हैं, मुझे 28 लड़कियों ने प्रपोज किया, आर यू वन ऑफ देम? ओए मेरा बच्चा क्या हुआ यार, ऐसे इससे बड़ा कोई घटिया इल्जाम नहीं था जो मुझ पे लगाना था। नहीं वो कह रहे हैं, कसम खुदा की, कसम खुदा के, मेरे लिए बाप की तरह, दादा की तरह, ऐसी कोई बात नहीं है रहमान, मेरा यकीन करो। अच्छा मैं आपका यकीन कर लेती हूँ। अच्छा एक और चीज, आपने कहा बदोबदी में दादा पोती का कैरेक्टर था, ऐसा ही है तो? अच्छा हम तो समझ रहे थे हीरो हीरोइन का,
नहीं वो हीरो हीरोइन नहीं थे, चाहत आपके दादा थे और आप उनकी पोती थी और इस हवाले से आपने एक्ट किया। बस एक्ट किया था, यही था, वो सबको ही पता है माशाल्लाह से। अगर मुझे कोई हीरोइन गाने का मौका मिला तो मैं इमरान हाशमी के साथ आऊँगी। इमरान हाशमी क्यों भाई, वो तो और हवालों से मशहूर है। मुझे वो बहुत पसंद है। आपको उनका क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? मुस्तान, आई लाइक चुमिया। सीरियसली? यार वो बंदा बहुत प्यारा, बहुत रोमांटिक और सेक्सी बंदा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब मैं इस पर कुछ कहूँगी ना, यानी इस पर कमेंट करूँगी तो फिर लोग जो हैं वो उस पर तरह तरह की मीम्स बनाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि लोग इस पर ऐसे कुछ करें। लेकिन आई विश यू ऑल द बेस्ट कि अगर आप चाहती हैं कि आप इमरान हाशमी के साथ काम करें तो आप सरहद के उस पार जाएं या आप दुबई जाएं और वहां पर आपको इमरान हाशमी मिले और आप उनके साथ भी बदोबदी 2 बनाएं। बदोबदी 2 तो चाहत ने बनाना है, बदोबदी 3 बनाएं, आपको इमरान हाशमी के साथ काम करने का मौका मिले। वैसे अभी तक किसी ने ऑफर किया काम की पाकिस्तान से? हाँ, एक सॉन्ग मेरा आ रहा है, ठीक है, और बाकी कुछ ब्रांड्स के साथ भी मैं काम कर रही। आप लोग आने वाले दिनों में एक बदोबदी के अलावा जो है ना मुझे एक अच्छे रूप में भी देखेंगे। अच्छा रूप, ये भी तो अच्छा रूप ही था। हाँ, मैं इस पर ये नहीं कहती कि मेरा कोई ऐसा था, मुझे रोल नहीं किया गया, मैं तो मासूम थी, एक्सप्रेशन में बड़े खूबसूरत थे, तो मुझे जो लगता था मैंने वो कर दिया। अच्छा, ये 28 मिलियन वाला जो गाना था बदोबदी, इसका क्रेडिट आपको भी जाता है इसके फेमस होने में? हिट डेफिनेटली 50% जाता है। इनके साथ चाहत साहब के तौर और भी, तो वो कहते हैं ना भारी भर जिसम वाली जो होती हैं औरतें आती हैं, और चाहत साहब कहते हैं कि मैंने मशहूर गया, तो भाई वो जो बेचारी औरतें हैं ना वो भी बड़ा शौक है उनको मशहूर होने का, तो काइंडली उन्हें भी मशहूर करा दें। मैं तो चाहत साहब को यही, लेकिन आपको क्रेडिट जाता है और मेरे ख्याल में बदोबदी 2 में भी चाहत को आपको कास्ट करना चाहिए। माफ़ी तलाफी से गुजारा हो सकता है अगर वो कहें जो हुआ गलती हो गई भाई, अब पहले 4,000 था, अब चाहे 40,000 ले लो, लेकिन नहीं हम थोड़ा रेट बढ़ा देते हैं ना, इतना भी तो कट नहीं ना करना, आजकल तो 40,000 बकरा नहीं मिलता। ठीक है, बस यही कहते हैं, डन हो गया। चलिए जी, कोई चाहत के नाम एक पैगाम। चाहत साहब हमेशा जिए और बहुत लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में हर चीज़ में इजाफा करे और अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे। ये तो हमने एक ऑन अ वेरी लाइटर नोट ये बनाया था, एक छोटा सा इंटरव्यू वजदान आई हुई थी तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लिया जाए। वजदान इज सच अ ग्रेट पर्सन, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच वजदान फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।